सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाष सपा के महासचिव अरविंद राजभर पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में सुभाष सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाष सपा महासचिव अरविंद राजभर पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में अरविंद बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि सुभाष सपा कार्यकर्ताओं का कहना है की भीड़ ने घेरकर उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की अटकलों के बीच उनकी पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पर कुशीनगर में जानलेवा हमले की खबर है। इस हमले में अरविंद बाल बाल बच गए हैं। सुभाष सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीड़ ने घेर कर उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, पत्थर बरसाए जाने लगे। खुद अरविंद राजभर ने वीडियो बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने हमले के लिए कुशीनगर के एक ग्राम प्रधान को जिम्मेदार बताया। अरविंद ने पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। अरविंद का कहना है कि वो कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के विश्वनाथ राजभर के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने गए थे। कुछ दिन पहले विश्वनाथ राजभर की हत्या हो गई थी। विश्वनाथ के परिजनों से मुलाकात कर अरविंद राजभर लौट रहे थे कि रास्ते में किसी साजिश के तहत भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया। भीड़ की अगुवाई ग्राम प्रधान कर रहे थे। अरविंद के अनुसार ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। सुभाष सपा महासचिव ने कहा कि करीब 250 से 300 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर कर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों के हाथों में लाठी डंडे लिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता खाली कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने 35 से 40 मिनट की कड़ी मशक्कत की, लेकिन रास्ता खाली नहीं हुआ। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वहां से निकल गए। वहीं अरविंद ने इस बारे में बताया है कि वहां से निकलकर वो पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध के यहाँ गए थे। अरविंद राजभर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गांव में मेरे जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी लापरवाही बरती जिससे यह घटना घट गई। उन्होंने कहा कि भीड़ में कई ऐसे संदिग्ध लोग थे जो कुछ भी कर सकते थे। इस मामले में कुशीनगर पुलिस ने कहा है कि सभी पक्षों और तथ्यों की गहनता से जाँच की जा रही है, जो जरूरी होगा वही कार्रवाई की जाएगी। तो सुभाष सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पर ये बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के पीछे क्या वजह है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं पूर्वांचल में गर्माती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।